राज्य की हेमंत सरकार जरूरतमंद लोगों को, झारखंड राज्य के लोगों को अपने सरकार की योजनाओं की जानकारी एवं उनकी सुविधा देने के लिए योजना चला रही है। आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला रही है, इसके तहत आज हम पूर्वी सिंहभूम जिला के मुसानी प्रखंड के गोहला पंचायत में हैं। आप यहां देख सकते हैं कि सरकार आपकी द्वार का शिविर लगाया गया है। इसमें हर एक प्रकार के सभी स्वास्थ्य विभाग है, बाल विकास परियोजना है, वन विभाग है, बिजली विभाग है और भूमि सुधार विभाग है। यहां के सारे लोगों को एक साथ एक गांव में उनको रोजगार सुविधा देने के काम कर रही है। और ये कर रही, यहां देख रहे हैं कि बूढ़ा बुजुर्ग सब, कोई पेंशन के लिए आए हैं, कोई वृद्धा पेंशन तो कोई विधवा पेंशन, या अनेक प्रकार की और भी सुविधा है। यहाँ ई श्रम कार्ड भी बनाया जा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। स्टॉल भी लगाया गया है, हर एक स्टॉल का अलग अलग है, श्रम विभाग का हर एक स्टॉल है, यहाँ दूसरा है स्वास्थ्य विभाग का अपना अलग स्टॉल है, ताकि यहाँ के लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा की जानकारी और उसका लाभ सीधा सीधी मिल सके। इसलिए यहाँ रोजगार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप यहां देख सकते हैं, ये कल्याण समाज कल्याण विभाग का स्टॉल लगाया गया है। और यहां पे बाल विकास परियोजना, जो यहां महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं, बाल विकास परियोजना। मैडम, क्या क्या लाभ मिलता है आज के स्टॉल में? यहां जनता दरबार में हमारी 3 सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को 3 महिला का जो स्वीकृति मिली है उनको यहाँ पर उनका दिया जाएगा 5,000 रुपया करके, और कन्यादान 3 महिला को मिलेगा, उनको 30,000 रुपया करके कन्यादान में दिया जाएगा मुख्यमंत्री। तो ये हमारे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। और हमारी ये गोयला पंचायत की सेविकाएँ आई हुई हैं, जिन्होंने ये गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं और 0 से 3 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं। ये स्टॉल लगाया गया है कि घर में स्थानीय सामग्री जो है उसको, अगर वो हरी सब्जियां, कच्चा पपीता, ये सब जो हरी सब्जियों से विटामिन उनको मिलती है, मिलने वाले लाभ को, और आंगनबाड़ी में जो सामान वितरित करती है उनका स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। हाँ, देखिए, आप बाल विकास परियोजना का जो है सुकन्या योजना का कुछ सर्टिफिकेट वितरण करेंगे, फिर अपना चेक वितरण करेंगे। और सबसे खास बात है, झारखंड सरकार की जो योजना है फूलो जानो योजना है, वो JSLPS के द्वारा मॉनिटरिंग करके जो बुजुर्ग महिला जो है हंडिया बेचती है उनको स्वरोजगार दिलाने के लिए कुछ सहायता राशि भी उपलब्ध कराती है। तो हम यहाँ के मैडम से जानना चाहेंगे, मैडम अभी तक कितना अभी तक हम लोग 35 महिलाओं को रोजगार दिए हैं, ठीक है। जो मूसाबनी की जितने भी पंचायत है उसमें पहले हम लोग सर्वे किए थे, उसके बाद जो फर्स्ट फेज में किया गया उनको दिया गया। अभी सेकंड फेज का, जैसे यहाँ पे अभी कोई भी सर्वे चलेगा, जितने भी दीदी फूलो जानो योजना के अंतर्गत आएगी उनको लाभ दिया जाएगा। 10,000 का लाभ दिया जाता है, विदाउट इंटरेस्ट दिया जाता है, जो कि 1 साल में वो दीदी जो रोजगार करेगी उसके अंतर्गत उनको वापस जो समूह बनता है उनके उन पर जमा करना होगा। ये थे JSLPS के पदाधिकारी के, और आगे भी स्टॉल लगाया गया, वन विभाग का लगाया गया है, वन विभाग के द्वारा यहाँ क्या कार्य किया जा रहा है उसका भी हम देखिए। हम अच्छा सर, ये बताइए, वन विभाग के देखिए यहाँ पर तो डायरेक्ट कुछ नहीं हो रहा, हम लोग जैसे प्लांटेशन वगैरह करते हैं पूरा मूसाबनी वन, हाँ मूसाबनी वन क्षेत्र में प्लांटेशन बहुत तरह का हो रहा है, जैसे सिल्वीकल्चर ऑपरेशन हो गया, आपका RDF ऑपरेशन हो गया, फिर क्षतिपूरक प्लांटेशन हो गया, फिर रैखिक प्लांटेशन छोटे पौधों का वो भी हो गया, और चेक डैम का निर्माण ये भी हो रहा है। इससे चेक डैम से मतलब आपका पशु पक्षियों का पानी या सिंचाई का व्यवस्था हो जाएगा, और साथ में सिंचाई का व्यवस्था भी गाँव वालों को मुहैया कराया जा रहा है। और सब वन भूमि में ही हो रहा है, जितना भी हो रहा है ये हम लोग का वन भूमि का सब प्लान है। और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ मूसाबनी ब्लॉक में, मूसाबनी ब्लॉक या तीनों ब्लॉक ही बोलिए, मूसाबनी रेंज में सब में वन पट्टा का भी जाँच करके सब आवेदन हम लोग जमा कर दिए हैं। और जैसे कि आज सरकार आपके द्वार में यहाँ वन विभाग स्टॉल लगाएगा, उनका कहना है कि वन विभाग द्वारा वन पट्टा का भी वितरण किया जाएगा यहाँ से। यहाँ और भी लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो किस
कार्य से आए हुए हैं यहाँ पे, एक दो है उन लोगों से बात करेंगे। चाचा आप क्या आवेदन लेके आए हैं यहाँ पे? आवेदन है सो ये पेंशन का नहीं, ये राशन कार्ड में मेरा बीबी का नाम गलत है, उसको सुधार करने के लिए। ये मेरा बड़ा भैया बकरी पालन करेगा, उसके लिए आवेदन लाए हैं। कार्यक्रम अच्छा हो रहा है ना? हाँ, जैसे इनका कहना है कि उनका कुछ राशन कार्ड में त्रुटि था और उनके भाई का जो है बकरी पालन करना है, तो निश्चित ही कहा जाता है कि सरकार हेमंत सरकार की जो आपके द्वारा आपकी सरकार का योजना जो चला रही है वो काफ़ी सराहनीय है। कन्हैया हेमरम, न्यूजीलैंड भारत, घाटशिला। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन पिछले कई दिनों से चला आ रहा है, उसी के तहत आज कोटका प्रखंड में ये कैंप लगाया गया है। इसका मकसद है कि सरकार आपके द्वार जो भी सरकारी योजनाओं है उसका लाभ जो ग्राम के अंतिम व्यक्ति है उस तक पहुंचे और वो इसका लाभ उठाए, उसको लेकर ही राज्य सरकार के द्वारा यहाँ स्टॉल लगाया जाए, विभिन्न विभागों के द्वारा लगाया गया है, चाहे कृषि विभाग हो, पेयजल हो, पेंशन हो, आपका आधार कार्ड हो, राशन हो, ये सारी योजनाओं का लाभ कैसे लोगों को पहुँचे इसकी सोच को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री ने ये योजना शुरू की है और इसका फल भी सामने आ रहा, लोग काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। और ये पोटका में ये इस तरह का कैंप लगाया है और स्वयं विधायक जो है क्षेत्र के विधायक भी स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अंतिम व्यक्ति तक जो हैं उन तक ये लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं, अधिकारी सही तरीके से जानकारी दे रहे हैं या नहीं, वो लाभुक को मिल रहा है कि नहीं, ये सारी कवायद की जा रही है। हमारे साथ विधायक जी हैं। विधायक जी, सरकार के द्वारा ये बहुत अच्छी योजना है अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का लाभ, तो क्या लोगों तक आपको लग रहा है कि आपके क्षेत्र के लोगों तक पहुँच रहा है ये योजना? ये वास्तविक आज बिहार से जब झारखंड अलग हुआ और अलग होने के बाद 20 साल लगभग हो गए हैं और हमको जहाँ तक तजुर्बा है ये 20 साल के दौरान ये पहली सरकार है जो जनता को अधिकार को समझते हुए उनका योजनाओं को उनका घर तक पहुँचाने के लिए काम कर रहा है। आज वास्तविक आप हम लोग देख रहे हैं यहाँ किस तरह का भीड़ है। पहले कोई एक लोग यहाँ पेंशन के फॉर्म भरते भरते थक जाते थे 5 बार 10 बार। अभी इस माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जब से सरकार आया है इस सरकार में ना बिचौलिए के प्रथा है ना कि जो जिला जाने का प्रथा है। अभी सीधे स्तर पर जो भी आवेदन करते हैं उनको प्रखंड स्तर में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इनको स्वीकृत किया जा रहा है। और पहले इस पेंशन में बीपीएल का मांग हुआ करता था, अभी सरकार में बीपीएल की बाध्यता खत्म करते हुए सबको जिनके 60 साल हो चुका है सबको पेंशन देने के लिए काम कर रहा है। और इस क्षेत्र में जिनके जिनके राशन कार्ड छूट गया है उनको ग्रीन राशन कार्ड के तहत राशन कार्ड बनाने के लिए सरकार काम कर रहा है। और साथ ही पहले देखते होंगे आप लोग कि ठंड खत्म हो जाता है उसके बाद कंबल वितरण होता था, ये सरकार जब से आई है 11 साल भी और इस वर्ष भी ठंड से पहले ही कंबल वितरण भी हो रहा है इस क्षेत्र में। और कोई एक ऐसे विभाग हैं हमारा कृषि विभाग, माननीय मुख्यमंत्री के पशुधन योजना अंतर्गत उसमें भी कृषक लोग लाभान्वित ले रहे हैं और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत जो भी हमारा क्षेत्र की लोग हैं, चाहे युवा हैं, चाहे छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, उससे लोग भी आवेदन दे रहे हैं और उसमें लाभान्वित होने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार की योजना लोग तक पहुंच रही है, फूलों झानू योजना है जो गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा तैयार की गई है ताकि वो गाँव की महिलाएँ भी सशक्त हो सके। हमारे साथ जिला परिषद जी हैं, क्या लग रहा है कि गाँव की महिलाओं सशक्त होगी जो योजना आया? हाँ, एकदम इस हम लोगों को देखने को मिल रहा है, सच में हमारी गांव की महिलाएं सशक्त हो रही हैं। जैसे हमारी सरकार के हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा महिला जो समूह है उनको भी इस तरीके का लाभ पहुंचाने के लिए दीदी किचन के तहत या बतख पालन और मछली पालन में भी हमारी सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हम एक महिला जनप्रतिनिधि हैं
तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे गांव की महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं। गांव की महिलाएं भी सशक्त हो रही, कुछ महिलाएं हैं जो इस कैंप में पहुंची है उसका लाभ लेने, हम उन लोग से भी जान लेते हैं। आप क्या समस्या लेकर आप आए यहाँ? हम पंचायत का किसान मित्र है और हम लोग का गाँव में जो KCC भराए थे तो उनको दिलाए हैं, जितना भी लाभ आते हैं सब कुछ हम दिलवाते हैं गाँव में। और यही है कि हम लोग का सरकार इतना अच्छा कर रहे हैं कि यही करते रहिए। क्या आप क्या समस्या लेकर आई हैं, क्या आपको फ़ायदा हो रहा है इस तरह का कैंप से? हाँ, मेरा नाम सावित्री बेरा, हम हेसड़ा पंचायत के हैं, हेसड़ा गांव के हैं। और हम यहाँ जितना हम राशन कार्ड, मतलब मेरा जितना छूटा हुआ था राशन कार्ड लेकर हम यहाँ आए तो यहाँ मेरा मतलब सक्सेस हुआ। राशन कार्ड जितना भी मतलब बाकी था अभी हो भी रहा है, अभी करा भी रहे हैं। क्या कहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह का कैंप लगाने? हाँ, बहुत धन्यवाद इस तरह कैंप लगाने के। हर साल हम लोग का जो भी मतलब बाकी छूटते जाएगा वो मतलब जो भी मतलब क्या बाकी रहेगा वो होता ही रहेगा हर साल। ऐसे कैंप बैठने से अच्छा है, जो मतलब छूट जाता है हम लोग को मिल जाता है ऐसे बैठने से। देखिए ये महिलाएँ हैं और हमको आपको एक बार फिर से कैंप दिखा देते हैं जो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ये देखिए, ये सारा अलग अलग योजनाओं का है, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, बिरसा कृषि हरित क्रांति योजना का अलग अलग स्टॉल लगाया गया है, जहां गांव की जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो यहां पहुंच रहे हैं और अपनी समस्या, जो समस्या को लेकर प्रखंड या जिला में जाते थे उनको अब वहां जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट उनका आवेदन को लिया जा रहा है। अगर संभव है तो ऑन द स्पॉट उनके जो समस्या है उनको पूरा किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि भीड़ देख के समझा जा सकता है कि किस तरीके से गाँव के लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। आपकी सरकार, आपका अधिकार, आपके द्वार। निश्चित है इस तरीके के कार्यक्रम होने से का जो आयोजन किया जाता है, इससे जो अंतिम व्यक्ति है, राज्य सरकार के जो मंशा है, राज्य के अंतिम व्यक्ति है, उन तक इस योजनाओं का लाभ पहुंचे और वो आप उसका नज़ारा आपको दिख रहा होगा किस तरीके से इस सुदूर गाँव में इतने ज़्यादा तादाद में महिलाएँ पुरुष जो भी समस्या लेके पहुंच रहे हैं उनका समस्याओं का समाधान हो रहा है। निश्चित है राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति भी ले रहा है। सही अनवर के साथ प्रभात, न्यूजीलैंड भारत, कोटका। कोडरमा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में, यानी किसी भी मामले का अगर आपको निपटारा कराना हो या अगर आप किसी चीज़ से परेशान हो तो सीधा सरकार आपके द्वार पर है और किसी भी तरीके का जो आपका जो दिक्कत है वो यहीं पर निपटाया जाएगा। यहाँ पर ये देखा जा सकता है राशन कार्ड से संबंधित, पेंशन से संबंधित क्या कुछ काम आप लोगों के द्वारा किया गया है? पेंशन से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जो भी लोग फॉर्म दे रहे हैं जमा दे रहे हैं उसका निष्पादन होगा। कितने लोग लगभग पहुंच रहे हैं, क्या कितना लोग जागरूक? अभी तक तो 10 लोग फॉर्म जमा किए हुए पेंशन से संबंधित, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन। कितना लाभ मिल रहा है लोगों को, कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, कैसा लोग कैसे? हम लोग तो आए हुए हैं, जितना हो सके लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, तो लगातार जो फॉर्म है वो भी यहाँ पे जमा हो रहे हैं और लोग सरकार आपके द्वार का जमकर लाभ उठा रहे हैं। भीड़ भी यहाँ पे देखा जा सकता है, ये जो पूरी भीड़ यहाँ पे है ये सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम है उसी को लेकर यहाँ पे ये भीड़ देखी गई है। किस तरीके से लोग जो हैं वो लगातार जो कार्यालय के जो चक्कर लगा रहे थे उन्हें चक्कर ना लगाना पड़े इसका विशेष ध्यान रखा गया है। और देखा जा सकता है लोग यहाँ पहुँच रहे हैं आवेदन ले लेकर। कुछ और भी यहाँ पे शिविर है, पशु चिकित्सा शिविर है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम है उसका लोगों को लाभ मिल पा रहा है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में देखा जा सकता है विशेष पशु चिकित्सालय शिविर भी यहाँ पे लगाया गया है और हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ लोगों को लाभ मिल पा रहा है। हाँ, बकरी का, सुअर का, मुर्गी का योजना चल रहा है, इसका योजना का लाभ मिल रहा है। प्लस में कि यहाँ पे बहुत सारा फॉर्म जमा हुआ, ब्लॉक में तो नहीं ऑफिस ना आ पाता, यहाँ पे अच्छा खासा फॉर्म आ चुका है।
बिल्कुल, तो जैसा कि ये बता रहे थे कि यहाँ पे अच्छा खासा फॉर्म आ चुका है, जितना ब्लॉक में नहीं जा आ पाता था उससे ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे है। तो लोग जो हैं वो काफ़ी जागरूक दिख रहे हैं, सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम है उसका लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है रसीद निर्गत भू माफी दाखिल खरीद से भी रिलेटेड लोग हैं, उनको भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे किया जा रहा है लोगों के द्वारा। हाँ, रसीद निर्गत करने हेतु आवेदन पत्र लिया जा रहा है, आवेदन पत्र में कार्रवाई होती है, रसीद निर्गत करने हेतु विकल्प दिया जाता है जिसके चलते लोग ग्रामीण लोग को सहूलियत मिले, और जमीन का रसीद और मोटेशन का भी आवेदन लिया जा रहा है। कितना लाभ लोगों को मिल रहा है, कितने लोग जागरूक दिख रहे हैं? हाँ, बहुत लोग आ रहे हैं कैंप में और कैंप में जानकारी ले रहे हैं और इसका जो है फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, तो लोग जो है वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और इसका जो फायदा है वो भी लोगों को मिल रहा है, और लोग एक एक करके पहुँच रहे हैं और जितने भी मामले हैं उसको यहाँ पे देखा जा रहा है। तमाम तरीके के जो कार्यालय हैं वो यहीं लगा दिए गए हैं, तो लोग भी जमकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन यहाँ पे देखे जा सकते हैं या फिर लोगों की जो भीड़ है वो देखी जा सकती है। सरकार आपके द्वार में यहाँ पे देखा जा सकता है प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं चंदवारा के, तो लगातार जो हर मामले हैं उसका जो निष्पादन है वो भी किया जा रहा है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, सर क्या कुछ यहाँ पे मामले आ रहे हैं और सारा कार्यालय देखा जा रहा है यहीं पे आ गया है, अभी है, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे जो है पूरे पंचायत का जो है सभी लोग को बुलाया गया है, वो बीचों बीच पड़ रहा था यहाँ पे, तो सुबह से 8 बजे से लोग आना शुरू किया, अभी भी लोग हैं। और मुख्यतः जो आवेदन आ रहे हैं वो आपका आवास है, पेंशन है, राशन है, उसके बाद वैक्सीनेशन का भी लोग यहाँ पे लगभग अभी तक 100 लोग वैक्सीन ले चुके हैं, दवा भी स्वास्थ्य जाँच भी किया जा रहा है, और अभी जो है ऑन द स्पॉट जो है जो यूनिवर्सल पेंशन शुरू की गई सरकार के द्वारा वो 2 लोगों को यहाँ पे स्वीकृत किया गया है, उसको यहाँ पे दिया गया है। और स्टॉल जो लगे हुए हमारे पशुधन का भी लगा हुआ है, कृषि का भी लगा हुआ है, स्वास्थ्य का भी है, आवास का है, मानिए जितना भी डिपार्टमेंट का वो सभी डिपार्टमेंट का है और सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, सभी लोग आए हुए हैं, विधायक प्रतिनिधि भी सुबह से जमे हुए हैं, तो सब लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। सर कितने लोग अभी तक आ चुके हैं, क्या आंकड़ा है, कुछ अंदाजा? अभी तक आवेदन लगभग 300 आवेदन आ चुके हैं, डिस्पोजल भी कर चुके हैं। लोग कितने जागरूक दिख रहे हैं सर इसके प्रति? लोग बहुत जागरूक है, सुबह से बोले ना, सुबह 8 बजे से लोग आ रहे हैं, तो अभी भी भीड़ जगह आप लोग देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। उधर जो लाइन लगी हुई वहाँ वो रजिस्ट्रेशन का लाइन है, तो लोग जागरूक हैं, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखा जा सकता है कि लोग जागरूक हैं, जैसा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी बता रहे थे कि लगभग 300 आवेदन सुबह से आ चुके हैं, कई मामलों का निपटारा भी कर दिया गया है, तो लोग कहीं ना कहीं बहुत जागरूक दिख रहे हैं। तो स्थानीय लोग भी हैं चंदवारा के हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ लाभ मिल पा रहा है। यह सरकार की योजना लाभकारी योजना है और यह अच्छी एक संदेश जा रही है लोगों के बीच, एक अच्छा संदेश जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अभी पूरे प्रखंड में और चंदवारा, खासकर चंदवारा पश्चिमी में, माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा अभी 2 आदमी का विधवा पेंशन स्वीकृत किया गया, जो कम उम्र की विधवा महिला थी, उनका आवेदन को स्वीकृत कर दिया गया, और इससे साफ दर्शाता है कि सरकार की योजना जमीन तक लोगों को लाभ पहुंचाने में सफल रहा है। कितने लोग जागरूक दिख रहे हैं, लोग ब्लॉक से ज़्यादा यहाँ आ रहे हैं या फिर क्या कुछ? ब्लॉक से ज़्यादा आ रहे हैं, और सबसे बड़ी लोगों को फायदा मिल रहा है कि एक ही जगह सरकार के सारे पदाधिकारी एक ही जगह उपस्थित होकर, चाहे वो ऑनलाइन से संबंधित मामला हो या विधवा पेंशन से हो या वैक्सीन लेने का हो या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो, सभी योजनाओं का एक काउंटर पर एक जगह पर मिल जाना आज के युग में कहा जाए कि एक सतयुग का एक नया परिचय दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो लोग काफ़ी जागरूक दिख रहे हैं, लोगों में काफ़ी खुशी भी है क्योंकि इनका कहना है कि एक ही जगह पर जाने पे सारे कार्यालय जो है वो यहीं पे मिल जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि वैक्सीनेशन जो है उसके भी यहाँ पे कैंप लगाए गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि वैक्सीन भी लोग लें, तो तमाम तरह की सुविधाएँ जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है। सहयोगी रंजित के साथ आर्यन श्रीवास्तव, न्यूज़ 11 भारत, कोडरमा। पलामू में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर लगातार पंचायतों में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं चैनपुर प्रखंड के जो झरीवा पंचायत है उसके अकड़ाही गांव में यह दरबार लगा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहां पे जो ग्रामीण लाभुक है वो यहां पहुंचे हुए हैं, कई स्टॉल यहाँ पर लोगों से आवेदन लिया जा रहा है और लगातार लोगों के बीच इस कार्यक्रम को लेकर जागरूकता आई है, लोग
पहुंच रहे हैं और जो प्रशासन है प्रयास है कि सभी लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से योजनाओं का लाभ मिल सके, उसको लेकर के प्रशासन लगातार सुदूर इलाके में यह कार्यक्रम चला रही है। आज पलामू ज़िले के हुटार पंचायत और चैनपुर के जो झरीवा पंचायत में यह कार्यक्रम चलाया गया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जानकारी मिला था लोगों को यहाँ पे और क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम क्या जानकारी मिला था का मिला। ये तो आए हैं हम लोग अथी आधार कार्ड बनाए के चलते और अथी रोजगार कार्ड बनाए चलते कॉलोनी वृद्धा पेंशन का ये सब के खातिर आए हैं। तो का मिलेगा, गरीब लोग का कुछ नहीं मिला हम लोग को। भर ले के भरता है या जर ले के जरता है? दिए हैं तो अब मिलेगा तब न जानेंगे। कार्ड के लिए दिए हैं हमने वृद्धा पेंशन के। वृद्धा पेंशन नहीं के हमरा वृद्धा पेंशन ला लिया। हाँ देख सकते हैं कि ये काफी संख्या में ज्यादातर वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के लोग जो हैं वो सरकार बताया था कि जो गरीब के हर गरीब में लाभ मिलना है, इसी लाभ के लिए हम लोग कोई आवास के लिए आया तो कोई वृद्धा पेंशन के लिए आया तो कोई के नाम छूटा हुआ है जोड़ने के लिए आया। कितने के केवाला के बात था कि उसको जिसका सीएनटी से पहले से केवाला पड़ा हुआ है उस केवाला के ये किया जाए, मोटेशन करने का आदेश दिया जाए। इसी लाभ के लिए हम लोग आए, हम लोग आवेदन लिया गया, खाता हम लोग हर साल हो गया, हम कागज़ लगा के छोड़ दिए हैं कागज़, बाकी अभी तक कोई पता नहीं है। फिर से नया सिरे हम कागज़ लिख करके अभी दिए आज दिए हैं, अभी हमको कागज़ नहीं मिला है। अब हमारा कोई तकलीफ नहीं है, बाकी सब इन्हें सब वृद्धा पेंशन बन गया है। हमारा राशन मिलिए रहा है तो आपका दिक्कत है, बस हमको बलो का लाभ पारिवारिक लाभ हमको नहीं मिला है। देख सकते हैं कि जिस तरह से लाभुक का अलग अलग मामला सामने आ रहा है, कोई सालों ब्लॉक का चक्कर काट के थक चुके हैं, उनका पारिवारिक लाभ नहीं मिल पाया है, तो किसी को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, ज़्यादातर लोगों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिला है। अब लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह से हेमंत सरकार ने यह कार्यक्रम चलाया है, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार इस कार्यक्रम के माध्यम से वैसे वंचित लोगों को लाभ दिया जा सके। नीलकमल, न्यूज़ 11 भारत, पलामू। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।